किसी का कब्जा नहीं हो सकता है। धर्म सबका अपना एक पर्सनल मैटर है और मैं समझती हूँ धर्म का उपयोग राजनीति के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैडम समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया आरएलडी के साथ, सोलह साल की उम्र, राष्ट्रीय लोक दल को 7 सीटें दी है, नहीं पड़ेंगे राष्ट्रीय लोक दल को। अवनी शेख को आंकड़े देखने चाहिए, जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं 2022 के, कि लगातार कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लगातार ऐसी जो रेप विक्टिम्स हैं उनकी हत्याएं कर दी जा रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं पूरे प्रदेश में। और अगर आप गांव-गांव जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कब्जे हो रहे हैं जमीनों में। तो मैं समझती हूँ सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए और लोगों की समस्याओं का समाधान। लगातार चारों शंकराचार्य उसका विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोधी पार्टी उसका विरोध कर रही है, उसके बाद भी बीजेपी वहाँ निर्माण करा रही है, उसमें क्या है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो आज भी जो धरातल पर समस्या है लोगों की, मैं समझती हूँ सरकार को उसकी और काम करना चाहिए। जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, जहाँ पहले सरकारी नौकरियां थी उसके बाद संविदा पे नौकरी देते थे और अब ठेके पे नौकरी दे रहे हैं, जहाँ हमारे युवाओं के भविष्य की कोई भी भविष्य नियमित नहीं है, अभी भी लोग नहीं जान पा रहे हैं, सरकार यह नहीं जान पा रही है कि लोगों की समस्याएं क्या हैं, कहाँ स्वास्थ्य की समस्या है, कहाँ शिक्षा की समस्या है। और बिना शिक्षा के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर सरकार चाहती है कि समाज आगे बढ़े तो गांव-गांव में अच्छी शिक्षा की ओर सरकार को काम करना। आप क्षेत्रीय भ्रमण पर निकली हैं, आपने कहा था कि और जनता से वोट की अपील कर रही हैं, न्योता दिया जाएगा तो हम अयोध्या जाएंगे, वहाँ के शंकराचार्य द्वारा आपको न्योता दिया गया है मेंत के द्वारा, उसके बाद अब नहीं जा रही, इसका क्या रीजन? मुझे कोई न्योता नहीं मिला है और जैसे मैंने कहा जब भगवान बुलाते हैं तब जाया जाता है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम सब परिवार अयोध्या जाएंगे। मैडम शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं राम मंदिर में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? लगातार राजनीति हो रही है 2024 के चुनाव को लेकर। बयान सुना था, उन्होंने कहा है कि मंदिर पूर्ण नहीं है जी, मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, इसीलिए शंकराचार्य लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने उनके बयान सुने।